बड़ी माला से बहन जी का स्वागत, जोरदार तालियां, एक बार बहन जी के लिए जोरदार तालियां। जी आप एक खिलाड़ी रही है और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर आपको मौका मिलता है तो खेल क्षेत्र में अटेली में क्या कुछ करोगे? जी पहले तो मेरा युवाओं को मैसेज ये है कि आप ही हमारा कल हैं और आपकी बहुत जरूरत है आज के दिन, और हम चाहते हैं कि आपका नसीब और आपकी किस्मत चमक जाए तो भारतीय जनता पार्टी का साइड जरूर दे। रोजगार को लेकर काफी समस्याएं हैं क्योंकि यहाँ के युवाओं को गुड़गावा मानेसर जैसी जगह पे जाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल मानना है ये। मैं खेल जगत से 20 साल से मैं भारत का नेतृत्व करती आई थी, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। और यही बड़ी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ भिवानी में है और भिवानी से हमारे युवा बच्चे बहुत अच्छा का खेल कर रहे हैं, रोहतक सोनीपत में कर रहे हैं, मगर जहाँ रुचि बहुत है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे युवाओं को, ताकि वो भी कल हमारा क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। मैम आपने कहा कि अगर आप जीत गई तो आप विकास करवाएंगी, तो रोड मैप क्या है, डेवलपमेंट का क्या रोड मैप तैयार है? जी मेरा, जैसे मैंने कहा, मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है स्पोर्ट्स में, मैं तकनीकी कॉलेजेस की जरूरत है अटेली में, वो बहुत कम है, और हमारी बेटियों को पूरी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत माँ बाप हैं जो बाहर नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को, तो तकनीकी कॉलेजेस चाहिए हमें साथ साथ में। और रोड मैप मेरा बेसिकली यही है कि आने वाले वक्त में हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम एक बिरादरी की पार्टी नहीं है, हम सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। केंद्र में आपके पिताजी मंत्री हैं, अगर सरकार मान लीजिए आप यहाँ से विधायक मंत्री और सरकार कांग्रेस की आ जाती है तो केंद्र का कितना फायदा मिलेगा आपको? जी अभी तो मेरे को लगता है कि भाजपा की सरकार आ रही है। हाँ, केंद्र का साथ कितना, केंद्र सरकार का पूरा साथ मिलेगा हमें पूरी। यहाँ पर अटेली नहीं है, कंपनी नहीं है यहाँ पे कोई भी, और IMT की बात है हो रही थी तो हमने कहा नाम भी नहीं दिया था, मगर इसके लिए लड़ाई जरूर लड़ूंगी मैं कि IMT एक अटेली में जरूर आना चाहिए ताकि हमारे नौजवानों को नौकरियां मिल सके।